गोपाल का गायों से प्रेम तो निराला ही था। गायों का गोकुल में जन्म भी उनके अनेक जन्मों के पुण्य का परिणाम था। वे कितनी भाग्यशालिनी थीं कि उन्हें श्री कृष्ण का पुचकार भरा प्रेम मिलता था। गोपाल बार बार अपने पीताम्बर से गायों के शरीर की धूल साफ करते तथा उन्हें अपने कोमल हाथों से सहलाते थे। गायों को भी श्री कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नंद भवन के मुख्य दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा करतीं, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण निकलें वे अपनी आंखों को उनके दर्शन से तृप्त कर सकें। जब भी मोहन बाहर निकलते, गायें उनके शरीर को अपनी जीभ से चाट चाट कर अपना संपूर्ण वात्सल्य उनके ऊपर उड़ेलती रहती थीं। गायें भी यशोधा मैया से कम भाग्यशालिनी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें कन्हैया को अपना दूध पिलाने का अवसर प्राप्त हो रहा था और बदले में कन्हैया का प्रेम मिल रहा था। गोकुल या ब्रज में रज कण भी बन जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। रसखान ने भगवान से याचना करते हुए कहा है, जो पशु हूं तो कहा बसु मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हूं तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। कन्हैया गायों को मां की तरह ही प्यार करते थे, इसी से मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह नंद भवन से निकलकर गौशाला में पहुंच गए। वहां पर एक गाय उन्हें अपना दूध पिलाने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वात्सल्य स्नेह से उस गाय का दूध अपने आप चू रहा था। गाय की दृष्टि एकटक नंद भवन के दरवाजे पर लगी थी, ताकि श्री कृष्ण बाहर निकलें और वह उन्हें अपना दूध पिलाकर अपना जीवन सार्थक कर सके। कन्हैया उसके पवित्र प्रेम की उपेक्षा भला कैसे करते। वे नंद भवन से निकलकर गौशाला में सीधे उस गाय के पास पहुंचे और उसके थन में मुंह लगाकर उसका दूध पीने लगे। इधर यशोदा जी कन्हैया को चारों तरफ देख रही थीं। वे बार बार गोपाल को पुकार रही थीं, कान्हा ओ कान्हा, तू कहाँ गया? अरे जल्दी से आ भी जा, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन कन्हैया होता तब न सुनता, वह तो अपनी गैया माँ का दूध पी रहा था। यशोदा उसे पुकारती हुई सोच रही थी, पता नहीं लाला कहाँ चला गया, उसने अभी तक कलेवा भी नहीं किया है। खिड़की से बाहर झांक कर उन्होंने देखा कि कान्हा गैया माता के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहा है। गाय कन्हैया का सिर चाट रही है। यशोदा मैया ने कहा कि गैया माँ तू धन्य है, मैं तो अभी कन्हैया के कलेवा की चिंता कर रही थी और तूने तो उसे दूध भी पिला दिया। मैं तुम्हें शत शत नमन करती हूँ।